जाओगे? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे तो हमको हम जाने दो। ओवरफ्लो होता था ना, बारिश उतना नहीं हो रहा ना अभी, पूरा गड्ढा है ये। कितना होगा गड्ढा फिर? हाँ 6 फीट 7 फीट होगा। तुम छोटू नहाया इसमें? तैरने आता है तुमको? पूरा पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी जब होता है बरसात में तो ये ओवरफ्लो होके इधर से चला जाता है खेतों में। बारिश आ गया यार। मछली है? छोटा छोटा मछली है। खूबसूरत नजारा, ब्यूटीफुल। वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, अभी बहुत कम पानी है, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा पानी रहता है। सो गाइस, कैसा लग रहा है आप लोग को ये यहाँ का बिहार का सीन, कमेंट में बताइएगा। आराम से जाना, स्लिप करेगा। ये पानी इधर से आ रहा है, उधर से ओवरफ्लो होते हुए। इधर से होते हुए खेतों में जा रहा है। चलो वापस चलते हैं। हाँ चलो, सारे खजूर के पेड़ हैं यहाँ पे। वो दूर से पानी आ रहा है, सो चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा देर रहने का नहीं है, बारिश आ रही है, इससे पहले अपने घर पहुंचना है। सो
गाइस कैसा लगा आप लोग को मेरा गांव, मेरे गांव के पास ही है ये डैम टाइप का बनाया हुआ जिसको पानी स्टोर करके ओवरफ्लो होता है तो वो खेतों में लोग यूज़ करते हैं। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि ऐसे ही आप लोग को गाँव का सारा वीडियोज़ मिलता रहे मेरा डेली लाइफ में। लास्ट बार दिखा दे रहे आप लोग को, अपने खेतों से घर वापस जा रहे हैं, और कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अभी भी धान रोप रहे हैं, धान रोप रहे हैं। सो यही है गांव की खूबसूरती, यहाँ कुआं है, यहाँ कुआं भी है, कुएं से लोग पानी निकाल रहे हैं। जानवर घर जा रहे हैं, अभी बारिश हो रहा है तो सब अपने अपने घर जा रहे हैं। कैमरे में पानी आ जा रहा है गाइस बार बार। सो गाइस इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी धक्का लग जा रहा है गाइस से।